नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार मिर्ची की रेसिपी। ये मिर्ची की रेसिपी को अगर आप आलू के परांठे, मिर्ची रोटी, पूड़ी के साथ भी खाएंगे ना, तो स्वाद का जवाब नहीं होगा। अगर आपने कोई सिंपल सी दाल बनाई है या कोई एक सब्जी बनाई है, उसके साथ अगर आप ये मिर्ची सर्व करेंगे ना, तो बस और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें कुछ ऐसी खास चीजें डालेंगे जो इसके स्वाद को चार गुना बढ़ा देंगी। तो चलिए, रेसिपी बनाने के लिए हमने मिर्ची ले ली है। मैंने ली है बहुत ही कम तीखी वाली मिर्ची, और ये मोटी वाली मिर्ची ली है, और ये ग्राम के हिसाब से ये 200 ग्राम के करीब मिर्ची है। पहले तो इसे अच्छे से वॉश कर लें और किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लें। मैंने इसे पोंछ कर तैयार कर लिया है। अब इसको काटना कैसे है, देखिए, मिर्ची को कभी भी काटे ना, जो चपटे वाला भाग होता है ना, आप देख पा रहे होंगे, इसी ढंग से चीरा लगाना है। जो मोटी वाली मिर्ची होती है उसमें बीज भी बहुत कम होते हैं, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कम बीज है। आप चाहें तो इन बीजों को निकाल भी सकते हैं। इसी ढंग से सारी मिर्ची को चीरा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब लेंगे एक पैन, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसको हमने गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैंने ली थी 5 से 6 लहसुन की कलियां, जिनको कूट कर तैयार कर लिया है, वो डाल रही हूँ। अब इसका कच्चापन हमने थोड़ा सा दूर करना है, कुछ सेकंड के लिए हमने इसको भून लेना है। इसमें देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं, हमने लहसुन को भून लिया है। लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। अब डालेंगे कुछ मसाले। 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। इससे क्या होगा, थोड़े से मसाले भुन भी जाएंगे, उनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। कम तीखी वाली लाल मिर्ची का मैंने यूज किया है। अगर आप चटपटा ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो आप तीखी वाली भी डाल सकते हैं। अभी मैंने ली थी 1 टेबल स्पून सौंफ, जिसको ना मिक्सी में पीस लिया था, वो डाल रही हूँ। साथ साथ मसालों को चलाते जरूर रहें और गैस को आप बिल्कुल स्लो रखें। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। मैंने कच्चे जीरे के पाउडर का यूज किया है। अच्छे से मिक्स कर दें। अब डालेंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर दें। अभी मैं इसलिए चला रही हूँ, पैन गरम है। अब लेंगे मिक्सी का जार। मैंने लिए थे 2 टेबलस्पून भुने हुए चने। ये वही चने हैं जो हम खाते हैं, बस इसका मैंने छिलका उतार के लिया है। ये देखिए इस टाइप के थे, इसका मैंने छिलका उतार लिया, ये 2 टेबलस्पून के करीब है। इसको डालेंगे मिक्सी के जार में और इसको हम पीस कर पहले तैयार कर लेंगे। देखिए इसको हमने पीस कर तैयार कर लिया है, और जो हमने मसाला भुना था ना, उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। उसी में ना ये पाउडर भी डाल देंगे जो हमने पीसा है। इसके साथ ही मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास सूखे वाला नारियल हो ना, तो बारीक ढंग से पीस के डालें। और मैंने लिया है 1 टीस्पून भर कर इमली का पेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अब इन सब चीजों को हमने मिक्स करना है। अगर आपके पास इमली का पेस्ट नहीं है, तो थोड़ी सी इमली को आप पानी में भिगो के भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी ना लें, थोड़े पानी में ही भिगोएं और छान कर लें। अब इसको अच्छे से ना मैं हाथों से भी मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको ज्यादा सूखा लगे, तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे भरने में आसानी हो जाएगी। अब लेंगे मिर्ची, इसमें इस मसाले को बहुत अच्छे से दबाते हुए हमने भरना है। जितना आप मसाला भरेंगे, उतना इस मिर्ची में टेस्ट आएगा। सभी को इसी ढंग से भरकर तैयार कर लें। सारी मिर्ची को हमने भरकर तैयार कर लिया है। जितना मसाला हमने बनाया था ना, आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा यूज हो गया इसमें। अब लेंगे एक पैन, मैंने वही वाला पैन लिया है, गैस ऑन कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे फैलाते हुए हम गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम मिर्ची को इसमें डाल देंगे। सारी मिर्ची बहुत आराम से आ जाएगी इसमें।
देखिए हमने सभी मिर्ची को डाल दिया है इसमें। गैस को हमने कर देना है लो मीडियम और इस मिर्ची को हमने अच्छे से पकाना है। मैं इसे खुले में ही पका रही हूँ। अगर आप सॉफ्ट मिर्ची पसंद करते हैं तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसी ढंग से पका रही हूँ। देखिए 2 मिनट बाद मैंने इसे पलट दिया है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी सी चित्री आनी शुरू हो गई है। गैस को लो मीडियम ही रखें। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इस मिर्ची को लो मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए बहुत अच्छे से पका लिया, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, ये मिर्ची बनकर तैयार है। आप एक बार इस ढंग से मिर्ची जरूर बनाएं, ये घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।